हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संचिता, अनकट संचिता की एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सुखी संची, आप सब लोग फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम में मेरे काफ़ी सारे दोस्त मुझे फॉलो करते हैं, तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे फॉलो कर लेना। सुबह सुबह मैं बैठ गई हूँ दवाई लेके, बहुत सारा दवाई लेके बैठी हूँ, और मेरा जो शरीर है ना, बीमारी का घर है। और देखिए कितने सारे दवाई लेके मैं बैठी हूँ, लाल, हरे, पीले, नीले। देख के तो बड़ा मज़ा लगता है, खिलौना जैसे, बट खाने में मज़ा ज़रूर नहीं लगता है, बहुत बेकार लगता है। और जो शुगर की गोली है ना, इतनी बड़ी होती है और निगलने में भी बहुत परेशानी होती है। आप लोगों को लगता होगा संचिता जी को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस खा रहे पी रहे घूम रहे हैं कार में, और मोटे हट्टे कट्टे हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं। बहुत सारी तकलीफ है ज़िंदगी में, बताती नहीं हूँ मैं। तो चलिए आप लोगों से बात करते करते मैं आ गई हूँ बेडरूम पे। बेडरूम को साफ़ कर लेते हैं। आज मेरी साड़ी के साथ मेरी बेडरूम की बेडशीट भी मैचिंग हो रही है, और मुझे ये बेडशीट एकदम पसंद नहीं। पता नहीं इस घर के साथ एकदम मैच नहीं होता, पर क्या करे, खरीद लिया तो उसको बिछाना तो पड़ेगा, तो मैंने बिछा दिया है। बट मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता, कभी कभी लगता है इसको मैं चेंज कर दूं। और मैं बहुत कम बिछाती हूँ इसको, कभी कभार ही बिछाती हूँ। तो मैंने बेडशीट को अच्छी तरह से झाड़ लिया, आज बेडशीट चेंज नहीं करना है। थोड़ा सा इस रूम को दुर्गा पूजा से पहले डेकोरेट करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी। ये रूम का जो कलर है, ये मैंने पीच और ऑरेंज में मिक्स करके ये कलर करवाया हुआ था, और मुझे ये कलर बहुत पसंद है इस रूम का। थोड़ा अगर डेकोरेशन करती हूँ तो आप लोगों को दिखाऊँगी। आजकल तो चैनल में जो भी मैं करती हूँ तो आप लोगों को दिखाती हूँ। एक्चुअली में क्या हो जाता है ना, घर में कोई रहता नहीं है जो कैमरा पकड़ के मेरा शूट कर दे। मैं ट्राईपॉड में शूट करती हूँ, तो डेकोरेशन वीडियो में क्या होता है, कोई थोड़ा सा शूट कर दे तो अच्छा होता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी, अगर कोई मिल जाए, या तो शाम को पतिदेव को रिक्वेस्ट करूँगी थोड़ा सा मुझे हेल्प कर दीजिए करके, मैं कोशिश करूँगी डेकोरेशन वीडियो देने के लिए। हम लोगों का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है दुर्गा पूजा, और हम लोग दुर्गा पूजा से पहले पूरे घर को नीट एंड क्लीन कर देते हैं, पूरी तरह से डीप क्लीन करते हैं। और उसके बाद पूरा जो ये कार्टेंस वगैरह है और बेडशीट है, पूरा मतलब जितना हो सके, अगर हो सके तो दीवारों को भी हम लोग धो दें, बट वो तो पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, स्पंज से पूरे दीवार को क्लीन कर देते हैं, और दीपावली में तो वो करते हैं थोड़ा सा ज़्यादा हमारा दुर्गा पूजा में होता है। और अब हो गई है रात, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों के साथ मेरी जो नाइट स्किन केयर रूटीन है वो मैं शेयर कर लेती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं संचिता जी आपकी इस एज में भी फेस इतनी क्लीन एंड क्लियर है, क्या यूज़ करते हो आप, क्या नहीं करते हो। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगी, एक्चुअली कुछ नहीं, थोड़ी बहुत जो हैबिट्स है वो कंटिन्यू करना होता है, जिससे आपका स्किन हमेशा क्लीन एंड क्लियर रहता है। और थोड़ा बहुत मोबाइल का भी कमाल है। तो कुछ जो रूटीन है, फेस वॉश है, फिर सनस्क्रीन है, नाइट क्रीम है, ये सब अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका जो फेस है हमेशा ग्लैमरस रहेगा, क्लीन रहेगा, ख़राब नहीं होगा। सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है रात को सोने से पहले, फेस को अच्छी तरह से क्लीन करना, क्योंकि हमारे स्किन में सारा दिन में बहुत गंदगी, ऑयल पोल्यूशन, ये सब जो है चिपक जाता है। तो रात को हम लोग जब फेस को क्लीन करते हैं ना, तो एकदम सब क्लीन हो जाता है। उसके बाद एक अच्छी सी नरिशमेंट क्रीम या मॉइस्चराइजर या कोई टोनर या कोई नाइट क्रीम आपको लगाना चाहिए, उसके बाद आपको सोना चाहिए। और रात को हमेशा बाल को खुले नहीं करना है, बाल को आपको टक करके ही सोना है, क्योंकि बाल बिस्तर में जब घिसते हैं तो जो बाल जो है वो एकदम रूखे हो जाते हैं। तो मेरा ये छोटा सा, ज़्यादा बड़ा कोई स्किन केयर रूटीन नहीं है, बालों को कंघी करती हूँ, उसके बाद बालों को बांध लेती हूँ, फेस को एक वाइप से क्लीन कर लेती हूँ जो भी गंदा होता है, और या तो मैं धो लेती हूँ, और उसके बाद एक नाइट क्रीम लगा लेती हूँ।
तो यही है, और आप लोगों ने बोला था तो मैंने ये आप लोगों को आज दिखा दिया। और अगर आपने मेकअप किया है तो मेकअप को अच्छी तरह से रिमूव करके फिर आपको सोना चाहिए, क्योंकि अगर मेकअप रहता है तो फेस एकदम काला पड़ जाता है, और आँखों के नीचे भी अगर आप काजल वगैरह पहनते हैं तो आँखों के नीचे भी ना एकदम काले काले से दिखते हैं। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि मेकअप को पूरी तरह से रिमूव करके ही सोना चाहिए। कहीं आप बाहर जाए तब भी आने के बाद मेकअप को एकदम रिमूव कीजिए। आजकल मेरे फेस में बहुत ही छोटे छोटे से काले काले स्पॉट हो रहे हैं, क्योंकि मैं नाइट को जाग रही हूँ ज़्यादा। एक्चुअली में जो वीडियो का एडिटिंग वगैरह है ये करने में थोड़ा रात हो जाता है, तो इस वजह से जो मेरा फेस का काला ये जो स्पॉट्स है, ब्लेमिश ये हो रहा है, और आँखों के नीचे भी डार्क सर्कल हो रहे हैं। तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, काम तो करना ही पड़ेगा। और ये जो नाइट क्रीम है ये मैं लगाती हूँ, ये एक जो लोटस का है तो अच्छा है, मैं यूज़ काफ़ी दिन से कर रही हूँ। और एक दिन में ओले का एक क्रीम लगाती हूँ, बस इतना सा ही मैं फेस में क्रीम लगाती हूँ, ज़्यादा कुछ लगाती नहीं हूँ। तो आप लोग भी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा ही चीज़ कीजिए बट कंटिन्यू कीजिए। कोई भी चीज़ का ना आपके लाइफ में कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। जो भी आप कर रहे हैं उसको एक दिन में आपको रिजल्ट नहीं मिलता, काफ़ी दिन अगर आप कंटिन्यू वो चीज़ करते हैं तो आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा। हर चीज़ के लिए यही है, जैसे खाने पीने में जो लाइफस्टाइल है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों में भी थोड़ी बदलाव करनी पड़ती है। पानी ज़्यादा पीना पड़ता है, अच्छा से फ्रूट्स खाइए और अच्छे अच्छे खाना खाइए, तला भुना चीज़ें कम खाइए। तला भुना चीज़ें आप खाएंगे तो आपके फेस में पिंपल बहुत हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ों का देखभाल करते रहेंगे तो आपकी स्किन अपने आप ग्लो करेगी। तो ये हो गई आप लोगों के लिए ब्यूटी टिप्स। तो आज के लिए मैं अपना ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप मेरे जो दोस्त हैं उनको मेरा ये टिप्स अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। अगर बेल आइकन को ऑल करेंगे तो मेरे वीडियो आते ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि वीडियो आ गया। तो पक्का ये चीज़ें तो आपको करके जाना है, और आप लोगों की सपोर्ट की मुझे काफ़ी ज़रूरत है। तो सपोर्ट कीजिए और चैनल में बने रहिए।